हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल साईं ऑटोमोबाइल में। आज हमारे वर्कशॉप में टाटा एल्ट्रस कार एक्सटर्नल जॉब के लिए आई हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कार एक सीक्वेंस एक्सीडेंट में फ्रंट और बैक साइड में दोनों ही जगह से डैमेज हो चुकी थी। बैकडोर को हम रिपेयर करेंगे और फ्रंट और रेयर बम्पर्स को हम रिप्लेस करेंगे। इस कार का प्रोसेसिंग हम इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू कर रहे हैं। आगे आप देखेंगे कि हम इस कार का काम किस तरह से करते हैं। फ्रंट पोर्शन में बम्पर में आप देख सकते हैं दोस्तों, बम्पर पूरी तरह से क्रश हो गया है। सो ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिडन डैमेजेस भी होंगे जो एक बार बम्पर डिसमेंटल करने पे विजिबल होंगे। आगे बढ़ने से पहले हम इसकी इंश्योरेंस फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम इसे ओपन करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, आप दोस्त देख सकते हैं कि हमने टाटा एल्ट्रस का बैकडोर रिपेयर कर लिया है। आपने देखा वीडियो में कि हमने इसको रिपेयर करने के लिए डेंट पुलर का यूज़ किया था, क्योंकि डेंट काफ़ी डीप था, इस वजह से उसको रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा समय गया। इनफैक्ट आप इस लाइन को देखिए, इस क्रीज को देखिए, इसे डेंट पुलर था, इसीलिए इसको रिपेयर करना थोड़ा ईजी हो गया। हमारे डेंटर ने इसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लिए इसको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि डेंट बहुत बड़ा था, इस वजह से इसके अंदर जो डैमेजेस हुए वो इसके अंदर इंटरनल पार्ट्स में भी हुए। मैं आपको डिक्की भी खोल के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बम्पर भी हमने इसका नया रिप्लेस किया है, तो स्कर्ट पैनल पे भी इसके यहाँ पर इंप्रेशन आ गए हैं डैमेज के, जिसको अभी हम थोड़ी देर में रिपेयर करेंगे। साथ ही बैकडोर रिपेयर करने के बाद में, क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा था, इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा था, तो यहाँ पर भी पेंट चिप हुआ है, क्रैक्स आ गए हैं, तो जब हम बैकडोर पेंट करेंगे तो उसे हम सिर्फ ऊपर से नहीं, इसके आउटर पार्ट पे भी नहीं, बल्कि इसके इंटीरियर पे भी हम पेंट करेंगे। दोस्तों, इसका फ्रंट बम्पर आपने वीडियो में देखा था कि यहाँ पे डैमेज हुआ था, काफी पॉसिबिलिटी थी कि इसमें इंटरनल पार्ट में भी इसको डैमेज हुआ रहेगा। हमने इसको डिसमेंटल किया तो इसका जो लॉन्गिट्यूडनल मेंबर का एक्सटेंशन था वो डैमेज हुआ था, जिसे भी हमने मैकेनिकल जैक के थ्रू स्ट्रेटन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी पेंट चिप हुआ है, तो इसे भी हमें एक फिनिश तरीके से पेंट करना जरूरी, नहीं तो यहाँ पर रस्टिंग लग सकती है। कई बार दोस्तों, मैं अपने रेगुलरली अपने व्यूअर्स बताता हूँ कि जब भी कोई भी फाइबर पार्ट डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें उसके इंटरनल पार्ट भी अफेक्ट हुए रहेंगे। उसी का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, अभी हम लोग आप देख सकते हैं कि अभी हमने हमारी कार को पेंटिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया है, जहाँ पर हम इसको पहले अच्छे से सैंड करेंगे। दोस्तों, सैंडिंग करते समय भी है ना, एक बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो सरफेस है वो कितना ज़्यादा रफ है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अनइवन है। अब इसे इवन करने के लिए हमें अलग अलग ग्रिड पेपर्स का यूसेज करना पड़ेगा, जिसमें ड्राई सैंडिंग में सबसे पहला हम पेपर यूज़ करेंगे 60 नंबर का, जो काफ़ी थिक होता है, जिससे जो सरफेस है काफ़ी ज़्यादा इवन होने में हमें हेल्प करेगा। इसके बाद में हम पेपर को अपग्रेड करेंगे और आगे सैंड करेंगे। कस्टमर के फीडबैक को हमने ध्यान देते हुए हमारे वर्कशॉप में हमने अभी रिसेंटली एक माइनर अपग्रेड किया है, जो आप देख सकते हैं वो है पीवीसी कर्टन्स। इसका बहुत सारा एडवांटेजेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो इस समय कार की पेंटिंग प्रोसेस हो रही है वो इस कर्टन की बाउंड्रीज के अंदर हो रही है। सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों कि जब किसी भी कार का काम कर्टन्स के अंदर चलता रहता है तो इसका डस्ट जो है वो बाहर किसी और गाड़ी पर जाके एक्यूमुलेट नहीं होता। साथ ही जब प्राइमर स्प्रे करते हैं, जब कई सारे वर्कशॉप का जो एरिया होता है वो बहुत ओपन होता है, सो वहाँ पर हवा बहुत चलती है, जिसके चलते जब प्राइमर स्प्रे करते हैं तो वो प्राइमर दूसरी कार पर जाके
डिपॉजिट हो जाता है। ऐसे में दोस्तों ये पीवीसी कर्टन आप बहुत हेल्पफुल होते हैं जो आपके काम की एफिशिएंसी को और बढ़ाते हैं। दोस्तों पीवीसी कर्टन्स के और भी कई तरह के एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये आपकी कार को एक अलग तरह का डेडिकेटेड जगह देती है जहाँ पर आप एक कार का एट अ टाइम काम कर सकते हैं। साथ ही ये डस्ट से, छोटे मोटे इंसेक्ट से आपकी कार को ख़राब होने से, आपके काम को ख़राब होने से बचाती है। सेकेंडली, ट्रांसपेरेंट होने के चलते विजिबिलिटी का भी यहाँ पर बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाता है, नेचुरल लाइट का भी फ़ायदा मिल जाता है। अगेन क्योंकि ये पीवीसी शीट से, तो इसे क्लीन करना और मेंटेन करना भी काफ़ी इजी है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, बैकडोर का ये पोर्शन का जो डिज़ाइन है, इसके एज को ध्यान में देना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हमें सही तरह का फिनिश चाहिए तो इन छोटी छोटी डिटेलिंग में ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। आपने देखा कि हमारे पेंट टेक्नीशियन ने इसे मास्किंग टेप से इसे मार्क कर लिया है जहाँ पर अभी हम इसमें बॉडी फिलर का यूज़ करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताना चाहूँगा। इस समय जो आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, जो डेंटेड पोर्शन पे अप्लाई किया है हमने, इसे कहते हैं लाइट वेट बॉडी फिलर। दोस्तों इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये दोस्तों तब यूज़ किया जाता है जब अगर आपका डेंटिंग एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, साथ ही डेंटिंग एरिया जो है वो बहुत रफ है। ऐसे में आप पॉलिस्टर पुट्टी डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। एडवाइजेबल ये होगा कि आप बॉडी फिलर यूज़ करें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत हल्का होता है, इसके जो पिगमेंट्स होते हैं वो बड़े होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसके चलते इसकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है। इसके बाद में आप जब पुट्टी अप्लाई करेंगे तो पुट्टी की क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। इससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि जब कभी भी आपने देखा होगा या कहीं नोटिस किया होगा कि अगर गाड़ी कहीं जाती है पेंटिंग होने के बाद में, और कुछ टाइम बाद अगर कहीं कोई जख्स लगते हैं, ऐसे में जो पैनल पेंटिंग हुआ होता है उस पर कहीं क्रैक्स आ जाते हैं। दोस्तों ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा पुट्टी हमने उस पैनल पे भरी हुई रहती है, इसके चलते वहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं। इस काम में दोस्तों यूज़ किए जाने सभी स्पेयर पार्ट्स टाटा के जेन्युइन स्पेयर्स हैं। साथ ही दोस्तों हमारी जो रेगुलर प्रैक्टिस है कि हम इस पूरे काम के जो प्रोसेस है, इस पूरे काम की जो अपडेट है, हमने कस्टमर को व्हाट्सएप पे शेयर की है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई भी यूज़र अपनी कार को रिपेयर करवाने के लिए ऑथराइज वर्कशॉप ना जाकर किसी मल्टी ब्रांड वर्कशॉप में जाता है, तो वो सिर्फ दो रीज़न के लिए, एक है सर्विस, दूसरा है ट्रस्ट। इसी सर्विस और ट्रस्ट को ध्यान में रखते हुए पिछले 16 साल से हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे वर्कशॉप में कोई भी कस्टमर आए तो वो किसी भी कारण से डिसअपॉइंट ना हो। एक 100% ट्रस्ट तब पॉसिबल होता है जब आप सही तरह की क्वालिटी कस्टमर को डिलीवर करें, और वो पॉसिबल होता है सही प्रोडक्ट्स यूज़ करने से, जेन्युइन स्पेयर यूज़ करने से, साथ ही कस्टमर के साथ में सही तरह से प्रॉपरली कम्युनिकेट करें। दोस्तों किसी भी काम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है काम को रेगुलरली सुपरवाइज करना। आप जितने लेवल पर सुपरवाइज करेंगे उतनी कंप्लेन आने की चांसेस कम हो जाती है। आपको आपके टीम के साथ में सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी करना है, ताकि जब आप एंड फिनिश होने के बाद में कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करें तो कहीं पर भी कोई कंप्लेन की गुंजाइश ना हो। कई सारे कस्टमर दूर से आते हैं, ऐसे में अगर कोई भी कंप्लेन आती है तो वर्कशॉप के रेपुटेशन पे भी क्वेश्चन मार्क रेज होता है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, रेगुलरली सभी चीज़ों को हर पॉइंट पर चेक करना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके ध्यान में लेके आना चाहूँगा, और आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप इसे हमेशा ध्यान रखें कि जगह अगर कभी भी अगर आपकी कार का एक्सीडेंट होता है तो आप उसे टेम्परेरी रिपेयर ना करें, स्पेशली मेटल पार्ट्स के ऊपर, क्योंकि इससे हो सकता है कि आप टेम्परेरी रिपेयर कराने के चक्कर में उसके लाइन एंड लेंथ को और भी ख़राब कर दें। ऐसा ही कुछ इस अल्ट्रास कार के बैकडोर के साथ में भी हुआ है। जहाँ पर ये डैमेज था वहाँ पर इसके लॉक के अरेंजमेंट्स थे जो काफ़ी हैम्पर हुए हैं। साथ ही टेम्परेरी रिपेयर करने के चलते इस कार की सरफेस बहुत ज़्यादा अनइवन हो गई है, पेंट भी कई तरह से, पेंट के ऊपर भी कई जगह पर रस्टिंग स्टार्ट हो चुकी थी। अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन के चलते ऐसा करना भी पड़े तो आप ध्यान रखें कि रिपेयर करने से पहले उसके फोटोग्राफ्स ले लें, और रिपेयर करने के बाद में भी उसके फोटोग्राफ्स आप अपने सेफ्टी के लिए रख लें, ताकि इंश्योरेंस क्लेम के प्रोसेस में ये हमें काफ़ी हेल्पफुल हो। जैसा कि दोस्तों फियर होता है एक्चुअल में हर कस्टमर को कि उनकी गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद में क्या पहले से दिख सकेगी, तो ये है वही अल्ट्रास कार जो
जिसका एक्सीडेंट कुछ दिन पहले हुआ था और जो हमारे पास में रिपेयर एंड पेंट जॉब के लिए आई थी। आप देख सकते हैं हमने उस पर सभी जो पार्ट्स थे उसको प्रॉपरली उसी तरह से फिक्स कर दिया जैसे वो पहले थी। इसमें फ्रंट बम्पर हमने रिप्लेस किया है, जिसमें आपको ध्यान देना है कि क्या इसके जो सपोर्टेड पार्ट्स हैं जैसे कि ग्रिल एरिया है, हेडलैम्प है, इन सभी के गैप्स इवनली फिक्स हुए हैं नहीं। इन सभी चीज़ों की फिट एंड फिनिश अच्छी दिख रही है नहीं। जो काम हुआ है, जो पेंट हुआ है, इसमें किसी भी तरह की कहीं पर कोई मिसमैच है या कहीं पर भी कोई पेंट की जो फिनिश है, कुछ लेयर्स हैं, वो सब तरह से नीट दिख रहे हैं नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है। दोस्तों बैक साइड में भी इसका रेयर बम्पर जो था पूरी तरह डैमेज हो चुका था और बैक डोर सबसे ज़्यादा तो चैलेंजिंग था हमें वो बैक डोर रिपेयर करना, क्योंकि बैक डोर पे जहाँ पर डैमेज था वो उसके इस क्रीज पे था। अब आप देख सकते हैं क्लोजअप में आके कि इसकी जो क्रीज है, जो उसकी लाइन है, वो एकदम उसकी फिनिश एकदम बढ़िया हुई है, जिससे पता चलता है कि काफ़ी स्किल्ड काम हुआ है। साथ ही बम्पर और बैक डोर की जो गैप्स हैं, जो टेल लैम्प्स और जो बाकी एरिया है बम्पर का, उसके फिट एंड फिनिश आप देखिए, सभी गैप, सभी एरियाज देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ था। एक चीज़ आपको मैं नोटिस करने वाली बताऊंगा दोस्तों, ये जो एरिया था कंपनी ने काफ़ी मजबूत बनाया है, जिसका अंदाज़ा हमें इन स्पॉट वेल्डिंग मार्क्स से आता है। ये जो स्पॉट वेल्डिंग मार्क्स है ये OEM से ही आए हैं। यहाँ पर भी हम जब ये पार्ट जब हम रिपेयर कर रहे थे तो यहाँ पर भी काफ़ी डैमेजेस हुए थे, जिसे हमने पेंटिंग में कवर किया है। कई बार कई सारे वर्कशॉप में अंदर की तरफ ना ध्यान नहीं देते, जिसके चलते कुछ समय के बाद में यहाँ पर रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। सो ये कुछ एरियाज है जहाँ पर कवर करना, यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आप अगर यहाँ नज़दीक इस तरह से भी देखेंगे तो बम्पर और क्वार्टर पैनल का जो गैप है एकदम परफेक्ट फिट एंड फिनिश आई है। टेल लैंप्स के फिट एंड फिनिश काफ़ी परफेक्ट आई है, कहीं पर भी ऊंच नीच नहीं है, कहीं पर भी कहीं कुछ भी एरिया अनइवन नहीं लग रहा है। दोस्तों हमारा वर्कशॉप नवी मुंबई उरन लोकेशन में वन ऑफ द बिगेस्ट मेंटेनेंस एंड बॉडी एंड पेंट फैसिलिटी है। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियोस देखने के लिए। साथ ही अगर आपको हमारे वीडियोस देखने से कुछ भी नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।